बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मयूराज आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय ने 1922 के पार्ट वन का रिजल्ट जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि 10-3 में पहली बार बिहार विश्वविद्यालय किसी एक रिजल्ट को जारी की है, क्योंकि 15 तारीख को परीक्षा पार्ट वन की कम्प्लीटली समाप्त हुई थी। ये तो सच है कि रिजल्ट आ गई है। 1,22,000 छात्र छात्राओं ने अपियर किया था। आप जो देख पा रहे रिजल्ट का मार्कशीट कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। आप सभी में उत्सुकता यह है कि ये सब छोड़िए, रिजल्ट हमें कैसे देखना है हमें ये बताइए। तो आप देख पा रहे हैं कुछ छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जिन्होंने रिजल्ट देख लिया है। रिजल्ट जो है लगभग 6:30 बजे शाम को कल 25 तारीख को अपलोड कर दिया गया था और 7:15 तक वो विजिबल था। उस बीच में जितने छात्र छात्राओं ने रिजल्ट को देखा था सभी का रिजल्ट शो किया जा रहा था बजाबता। उसके बाद एक बार फिर से लगभग 1:30 से 2 बजे से रिजल्ट जो है वो दिखना शुरू हुआ रात को। लेकिन मैंने आपको रिजल्ट दिखा करके वीडियो अभी नहीं बनाई है, क्योंकि वेबसाइट जो है प्रॉपर ढंग से वो काम नहीं कर रही है। कुछ छात्र छात्राओं की ये भी कहना है कि एटलीस्ट कम से कम आप लिंक तो बता दीजिए कि रिजल्ट हमें कहाँ से चेक करना है। तो आप देख सकते हैं यही वो है लिंक, आप देख पा रहे हैं indiaexam.info है। अदरवाइज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर रिजल्ट चेक करने वाला इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप यहां पर आइएगा, देखिए प्रॉपर ढंग से वेबसाइट काम नहीं कर रहा है। सिलेक्ट सेशन जो होगा इसमें देखिए अभी इतना ही आ रहा है, नहीं खुल रहा है, कभी कभी खुल रहा है कभी कभी नहीं खुल रहा है। तो सिलेक्ट सेशन में आपको 2021 चूज करना है, ऑटोमेटिक वो एक ही ऑप्शन आएगा। उसके बाद से सिलेक्ट एग्जाम में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको रेगुलर जनरल या प्रमोटेड का ऑप्शन वहां पर आएगा। हालांकि अब तक के चीजें अपडेट की जा रही है, तो 19 से 22 वाले आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम आप दे रहे हैं, सेशन आपका 19 से 22 है, तो आप रेगुलर चूज कीजिएगा, उसके बाद से आगे बढ़िएगा। उसके बाद से सिलेक्ट कोर्स में आपका बीए अनर्स है, बीएससी अनर्स है, बीकॉम अनर्स है, या आपका बीए जनरल है, बीकॉम जनरल है, या बीएससी जनरल है, वो चूज करने के बाद तब आपको इसमें अपना रोल नंबर डालना है, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद से जो है वह सबमिट करना है। सबमिट में थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद से आपका रिजल्ट शो हो रहा है। देखिए रिजल्ट जो है आप देख पा रहे, अभी वीडियो नहीं जा रही तो इसमें हर काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर हम आपको बताया कैसे रिजल्ट आ गई है। देखिए अखबार ने क्या रिपोर्ट किया है इस पर, यदि हम तमाम चारों मेजर अखबार जो बिहार में प्रिंट होते हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान हो, प्रभात हो, तो सब में यही रिपोर्ट आप देख पा रहे दिया गया कि स्नातक प्रथम वर्ष का परीक्षा फल जारी, 72% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण घोषित, आप देख पा रहे हैं। और डेटा यहाँ पर दिया गया है कि जो पास हुए वो 72% है, प्रमोटेड में 19% है, सीरीज उपलब्ध नहीं होने पर जो है 0.2% ऐसे हैं जिनका रिजल्ट हो सकता है पेंडिंग होगा, और फेल जो है 8% है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जो अनुपस्थित है वो 0.7% है। ये जो है दैनिक जागरण की डेटा है, आप यहाँ पर देखिएगा दैनिक जागरण की डेटा है। उसके बाद से आप देखिएगा यहाँ पर प्रभात, तो प्रभात में यहाँ पर दिया गया है कि विश्वविद्यालय ने 10 दिनों में जारी किया स्नातक पार्ट वन का रिजल्ट, और यहाँ पर सेम चीज़ें दी गई, आप देख पा रहे हैं कि जो पास हुए हैं वो 72% है, प्रमोटेड 19% है, सीरीज के नहीं होने के कारण 0.2% है जो रिजल्ट जिनका पेंडिंग है, फेल 0% है, अनुपस्थित 0.7% है। तो आप देख पा रहे, आप इस वेबसाइट पर आइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आ करके यहाँ पर जो है आप चेक करते रहिए। देखिए प्रॉपर ढंग से वेबसाइट काम करेगी तब जा करके हम रिजल्ट आपको चेक करना बताएंगे, नहीं तो लोग गाली देने लगते हैं कि आपने कैसे वीडियो बना लिया, हमने तो रिजल्ट चेक किया तो हो ही नहीं रहा, रिजल्ट शो हो ही नहीं रहा। तो घबराना नहीं है, रिजल्ट आपको यहीं से देखना है, कोई दूसरा तीसरा लिंक नहीं है, बिहार विद्यालय ने कोई ऐसा जारी नहीं किया है। दूसरा तीसरा लिंक जारी होता तो ये सर्वर में इतना प्रॉब्लम नहीं आता, ये लोड के कारण ऐसा हो रहा है। तो आप लोग पेशेंस बना करके रखें, प्रॉपर ढंग से वेबसाइट काम करना शुरू करती है तो हम आपको एक और वीडियो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।